हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने होम में। और इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के टाइम से ब्लॉग स्टार्टिंग कर रहे हैं और अभी नए चूल्हा का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि हमने दो दिन हो चुके हैं। थोड़ा सा सूख भी गया है लेकिन थोड़ा सा भींगा भींगा ऊपर ऊपर है। तो आज हम बनाएंगे इसी चूल्हा पर कुछ खास बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम देखिए क्या बनाते हैं। तो पहले उद्घाटन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पूजा हमारे घर में होती है, कुछ भी उद्घाटन करो, मिट्टी का चूल्हा हो, गैस हो, स्टोव हो, या फिर रसोई रूम हो, या फिर कोई भी न्यू चीज़ जो भी हमारे घर में आता है, तो सबसे पहले पूजा ही होती है। तो सबसे पहले रूली का और घी से पूजा होती है, इसके बाद ही हम आग को जलाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले पूजा तो हमारी हो चुकी है और आग जला, एक फ्रेंड्स ने बोल रहे थे कि आग जला कर दिखाइएगा, तो यहाँ मिट्टी का तेल तो है नहीं अब तो, लेकिन यहाँ पर मैं जो बेकार पोलोथीन रहती है, जो सब्जियाँ आती हैं जो कि मैं जमा करके रखी रहती हूँ और जो कि ठंड में बहुत ही काम आता है, उस चीज़ का एक पोलोथीन ले लो और जला दो इस तरह से। और फिर ये उपले हैं, गाय के उपले जो कि अभी मंगवाया था बाहर से, और तो आज जलाकर यही दिखाएंगे और इसी पर हम बनाएंगे। तो अभी हस्बैंड जी भी लगे हुए हैं काम पर, हस्बैंड जी को भी लगा दी हूँ, छुट्टी है उनका तो घर पर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि चलो मदद मैं कर देता हूँ। हमने कढ़ाही भी चढ़ा दिया, कढ़ाही में आप देख सकते हैं कि मिट्टी का लेप लगाया है, इससे है ना कि हमारा कढ़ाही बिल्कुल भी काला नहीं होता है। गाँव में तो भाई मैं जब भी जाती हूँ तो हमारे घर में गोईठा पर ही बनता है, जब भी जाऊँगी तो अच्छे से दिखाऊँगी भी वहाँ का। अभी छठ व्रत तो इस साल नहीं हुआ इसलिए नहीं गए, लेकिन छठ व्रत में अगले साल हो सकता है कि करेंगे, तब जाएंगे गांव तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो जिस तरह से हम लोग करते हैं काम उसी तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं। गोईठा और एक लकड़ी भी लगा दी हूँ जो सूखी थी, थोड़ा सा भींगा है चूल्हा तो धुआँ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आज। तो यहाँ पर बना रहे हैं हम गाजर का हलवा, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत कुछ बोला था, लेकिन सोचा था कुछ और बनाने के लिए, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा सा भींगा चूल्हा है तो फिर उसमें ख़राब हो जाएगा कुछ भी बनाएंगे, तो सबसे गाजर का हलवा ही बना देते हैं। लेकिन देख सकते हैं कितना अच्छा धुआं, देख सकते हैं पूरा घर में फैल गया है आज, तो जितना मच्छर है ना सब भुना जाएगा, धुएं से सब भाग जाएगा, तो बहुत घर में धुआँ हो चुका था। तो तब देखिए अब मेरा हो चुका है, थोड़ा सा डाल दिए हैं चीनी, बस दूध, बस यहाँ पर सूखा सूख गया है और अच्छे से हमारा गाजर का हलवा बन गया है। तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाते, मैं उस नए स्टोव पर भी बनाई थी ना, सबसे पहले मीठा ही जब रसोई रूम का उद्घाटन किया था तो मीठा चीज़ बनाया था, हलवा उस दिन बनाया था, जो कि सबसे पहले मैं भगवान को ही चढ़ाती हूँ क्योंकि, और मिट्टी का चूल्हा भी न्यू है तो इसका भी उद्घाटन कर रही हूँ, तो पहले सबसे पहले मैंने कन्हैया को खिलाया है जाकर, क्योंकि थोड़ा मन खुश रहता है अगर सबसे पहले भोजन भगवान को खिलाऊं तो मन बहुत ही प्रसन्न रहता और इतना अंदर लगता है कि नहीं अब सब सही होगा, मतलब इस चूल्हे का जो भगवान ने खाया है ना, इस चूल्हे पर एक से एक रेसिपी मेरे हाथों से अच्छा बनेगा, ये चीज़ मैं अंदर से सोचती हूँ, एक ऊर्जा टाइप के आ जाता है शरीर में। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है और दिखा रही हूँ सुबह में, तो अभी जितना भी बानी था छाई था सब निकाल दी हूँ और अब सबकी निपाई कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि आग तो जलाई थी अच्छे से तो सब सूख गए हैं और तो, लेकिन सूखने पर ना थोड़ा थोड़ा फट चुका है। तो एक फ्रेंड्स ने कहा था कि मिट्टी और गोबर से निपाई करने से बिल्कुल ही फटा हुआ नहीं रहता है, ठीक हो जाता है, तो सही कह रही थी। तो यहाँ पर अभी मिट्टी और गोबर से ही निपाई कर दे रहे हैं अच्छे से और निपाई हो जाएगी, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो इस पे ना बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि बोल रहे थे ये बनाइए ये बनाइए, तो सबकी फरमाइश मैं पूरी करूँगी।
और गैस पर भी बनाऊंगी, कभी कभी इस पर भी बनाऊंगी जो आप लोग कहेंगे तो। और इसके बाद लग गई हूँ, अभी बर्तन वगैरह है, नाश्ते के नाश्ता वगैरह हो चुका था सबका, तो उसी नाश्ते का अभी आदित्य भी स्कूल चल गया है, तो जितना भी आज है शनिवार, भूल जाती हूँ बोलने के लिए कि क्या है, कल शुक्रवार था जो कि मैंने उद्घाटन किया चूल्हे का, और आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन भाई कपड़े तो ढेर सारे हो जाते हैं, मैं शनिवार को ही खींच लेती हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा रविवार को भी टाइम मिल जाएगा सूखने के लिए, नहीं तो एक दिन में कपड़े सूखते नहीं है मेरे यहाँ, खास करके धूप नहीं आते हैं उतने इसलिए। और जितने भी नाश्ते का बर्तन है वो भी मान लिया मैंने, सभी को रख देते हैं। अब बच गया कपड़े, कपड़े को बोथ कर रखी थी बाल्टी में, तो थोड़ा ना बहुत देने पर ना जितने भी फूल जाते हैं मैल वगैरह कपड़े की, इसके बाद खींचने में आसान हो जाता है। तो बेडशीट वगैरह आज निकाल ली हूँ, बेडशीट भी गंदे हो गए थे, तकिया खोली था जो गंदे हो गए थे, और इनके कपड़े थे, बच्चों का कपड़े थे, सभी को बोथ दी थी कि फूल जाएगा, इसके बाद अभी धो लेते हैं अच्छे से रगड़ रगड़ के। इसके बाद स्नान भी हो गई, स्नान करने के बाद सीधे किचन में आ गई, और अभी शनिवार है तो खिचड़ी आज भी बना दे रहे हैं क्योंकि अभी हस्बैंड जी को बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी खाने में, तो अभी खिचड़ी बना दिए हैं उन्हीं के लिए खास करके। और खिचड़ी में ना घी डालो तो बहुत ही स्वाद लगता है, इसलिए उस बार भी बनाई थी तो बच्चे भी खाए थे, और खिचड़ी के साथ चटनी पापड़ रहे ना, चोखा रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो दही के साथ अभी खाएंगे, दही चटनी चोखा ये सारी चीज़ें बनाए थे, तो बच्चे खा लेते हैं खिचड़ी मज़े से। इसके बाद हम मिल रहे हैं शाम के टाइम में, एकदम शाम हो गया है, इसके बाद मिल रहे हैं आप लोगों से, और कपड़े देख सकते हैं कि बाहर अभी है, शाम बत्ती हो गई है हमारी, शाम बत्ती करने के बाद अभी दीपक जो है घर में आज लगा दी हूँ, आंगन में नहीं है, तुलसी माता के पास दीपक हमेशा लगाती हूँ, तो आज है ना कि हवा थोड़ा सा चल रही थी तो क्या किया कि लगा दिया है मैंने घर में दीपक। तो यहाँ पर आ गई हूँ रसोई रूम, अभी कपड़े थे सभी को ले आई हूँ, और यहाँ पर कुकर में आलू चढ़ा रखा था तो उसका भी 2 सीटी लग चुका है, तो देख सकते हैं कि अभी मेरा पक चुका है आलू, और तुरंत ही पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं क्योंकि न्यू आलू है तो जल्दी पक जाता है। न्यू आलू के सब्जी बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ तो स्वाद लगता है थोड़ा। फ्रेंड्स अभी हम बनाने जा रहे हैं चीज पराठा, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं चीज पराठा हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, कोई तामझाम नहीं रहेगा, जो कि सब कोई बनाकर खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है आलू चीज पराठा खाने में। तो चलिए बनाते हैं चीज पराठा, पहली बार बना रहे हैं चीज पराठा, वैसे पहले कभी नहीं बनाई हूँ, आलू पराठा बनाते थे लेकिन चीज पराठा मैंने नहीं खाया है, तो आज पहली बार बनाते हैं आलू चीज पराठा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो अभी आटे को मैंने गूंथ लिया है अच्छे से मुलायम, और इसके बाद 15 मिनट के लिए रख दूंगी सेट होने के लिए। यहाँ पर आलू देख सकते हैं अच्छे से मेरा पक चुका है, और ठंडा होने पर इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मैश ली हूँ, थोड़ा गर्म ही थे, और गर्म आलू में ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च काटा है जो थोड़ा सा तीखा है, और 5-6 मैंने मिर्च काटा है क्योंकि थोड़ा सा तीखा रहेगा तो अच्छा लगता है आलू का पराठा। और यहाँ पर धनिया पत्ता था वो भी मैंने डाल दिया है, और डालने के बाद इसमें हम अब नमक डालेंगे, नमक भी स्वाद अनुसार डाल लेंगे, और आज ना आलू को बिल्कुल भी भूनना नहीं है, भूनेंगे नहीं इसे, बल्कि इसी को अच्छे से मिलाएंगे इस तरह से, तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर मिला देंगे अच्छे से चम्मच के द्वारा या फिर हाथ को लगाकर अच्छे से इसे मैं मिला लें। इसके बाद ये है, और ये चीज़ को अच्छे से इस तरह से हम मशीन से क्रश कर लेंगे, लंबे लंबे जो छोटे छोटे निकलते हैं, और इस तरह से इसमें डाल देंगे, इस तरह से करने से ना, और इसमें हल्दी भी डाल देंगे, इस तरह से चीज़ को करने से मशीन में सब में मिल जाता है आलू के चोखे में अच्छे से। अब वैसे ही कि इस तरह से हाथ से करते रहिएगा तो फिर मिलेगा नहीं, और इस तरह से मशीन से हम चॉप करके डालेंगे तो अच्छे से मिल जाता है। और इसके बाद हम एक लोई लेंगे अच्छे से, इसमें भर भर के अब जितना भी भर सकते हैं, आलू का पराठा में तो भाई ज़्यादा आलू रहे तभी अच्छा लगता है, कम आलू रहेंगे तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा भर भर के आलू डालकर बनाएंगे आज पराठा। तो इसमें चीज़ भी डालती है आलू में बिल्कुल भी, और प्याज बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। एक फ्रेंड्स ने बोले थे कि पराठे में
आलू के पराठे में प्याज नहीं डालिएगा। तो आज हमने प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला है और बिना प्याज के ही चीज़ पराठा आज बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा था हम लोगों को खाने में। तो अभी बनाइए और यहाँ पर मेरा जब सेक किया है पूरा अच्छा से, तो इसमें चीज़ मैंने इसी तरह से डाल दिया है और ऊपर से फिर हम इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ देना है, बस अंदर भी चीज़ हो गया ऊपर से भी चीज़ हो गया। बहुत ही अच्छा लगा था खाने में और बहुत अच्छा लगा था। तो बनाइए, ट्राई कीजिए, आप लोग भी ऐसे ही पराठा बनाइए घर पर, चीज़ पराठा। और इसके बाद उसके साथ मैंने आंवला और हरी धनिया की चटनी बना दी। पराठा में मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, चटनी रहेगा धनिया का और साथ में मूवी, मजा आ जाएगा। अभी ये लोग रसोई रूम में ही अभी खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो बोल रहे थे इतना बड़ा बड़ा पराठा, तो एक बोल रही थी कि एक पराठा में मन भर जाएगा, पेट भी भर जाएगा, ऐसा पराठा बना रही हूँ। और अभी सब देख रहे हैं ना, प्लान कर रहे हैं मूवी देखने का, शनिवार है ना, तो एक फिल्म देखने का, मूवी देखने का मन कर रहा है इन लोगों का। तो अभी खाएँगे चटनी के साथ और फिल्म भी देखेंगे और देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा बना था पराठा। खूब खाएँ सब बच्चे और ये भी हम भी खाएँ खूब, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं यहीं पर, आज मूवी देखेंगे तो कल लेट से उठेंगे ये लोग। बाय बाय।